अब आपको शिवालिक हिमालय के बारे में, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय, आउटर हिमालय। आप सबसे पहले समझिए जो शिवालिक का विस्तार, ये जो विस्तार मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये पहले समझिएगा। ये है पोटवार बेसिन, पोटवार बेसिन। ये आप बताइए पोटवार बेसिन कहाँ है, पाकिस्तान में है, कहाँ है, पाकिस्तान में। पोटवार बेसिन से लेकर दिहांग तक फैला हुआ है, दिहांग तक। ये दिहांग कहाँ है, अरुणाचल, सॉरी असम में है, कहाँ है, असम में है। इसको ऐसे लिख दीजिए दिहांग से, नहीं तो इसको असम ऐसे लिख दीजिए। आप यदि बोले शिवालिक का विस्तार कहाँ है, मतलब जिसका कितना है, तो शिवालिक का विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर दिहांग, असम के दिहांग तक है, कोई दिक्कत। आप बताइए शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ, शिवालिक का निर्माण हुआ ई कराकोरम लद्दाख जास्कर से निकलने वाली नदी, ई जो है बृहत हिमालय से निकलने वाली नदी और लघु हिमालय से निकलने वाली नदी के द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई अवसाद, जो नदी के द्वारा जो होती है अवसाद, अवसाद लगाएगा, ये अवसाद में निक्षेपण, अच्छा अवसाद जमा होते होते क्या किसने निर्माण किया, शिवालिक का। अब बताइए शिवालिक का, ई जो शिवालिक है ये ध्यान दीजिएगा, ये शिवालिक ऐसे होगा कि नहीं बताइए। आप बिहार, आप बिहार में यदि बिलोंग करते हो, बिहार में पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी है, तो सोमेश्वर श्रेणी किसका पार्ट है, शिवालिक श्रेणी का ही पार्ट है। आपको बताएंगे सारे चीज, जब बिहार स्पेशल आपको पढ़ाएंगे तब इस बताएंगे आपको। तो ये बताइए शिवालिक ये पाकिस्तान में हो गया, ये असम में हो गया, तो ये किस, ये कैसे निर्माण हुआ है, जो बृहत हिमालय लघु हिमालय से निकलने वाले नदिया के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण, अवसाद के निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ, लघु हिमालय का निर्माण हुआ। समझ में आया कि नहीं है हमको ये बताइए, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इतना समझते जाइए, देखिए वही चीज़ आपको लिख भी दिया हूँ, शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति और संरचना किस है, शिवालिक हिमालय के अन्य पर्वत श्रृंखला से भिन्न है, क्योंकि शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदी, निकलने वाली नदी को द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से हुआ है। आपको बताया है कि नहीं बताइए, वही चीज़ आप लिख लीजिएगा कि नहीं, कोई दिक्कत। आप बताइए शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति कैसे हुआ, बृहत हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेपण से शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ, कोई दिक्कत। हम आपको बताए थे सोमेश्वर श्रेणी, सोमेश्वर श्रेणी यहाँ बिहार में है, बिहार में पश्चिम चंपारण में है, ये किसका भाग है, शिवालिक श्रेणी का भाग है कि नहीं बताइए, वही हम आपको लिख दिए है कि नहीं, आपको लिखने के लिए कोई दिक्कत। अब इतना अच्छे से लिखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, देखिए लघु हिमालय और शिवालिक, ये बताइए लघु हिमालय कहाँ कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर कहाँ तक, असम के दिहांग तक पाई जाएगी। और ये क्या है, लघु हिमालय है पीर पंजाल धौलागा नागटिबा माहौरत, ये दोनों श्रेणी मतलब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में बहुत सा घाटी पाई जाती है, कौन सा घाटी, घाटी किसी दो पर्वत के बीच में मैदानी इलाका को घाटी कहते हैं। अब बताइए ये जो चौरस घाटी पाई जाती है, जो चौरस मतलब इसका नाम में ये घाटी पाई जाती है, उसको क्या बोला जाता है, द्वार और दून कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्वार और दून। अब बताइए इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व, इधर वाले भाग को और इधर वाले भाग को ध्यान दीजिएगा, इसमें इधर भाग को दून कहते हैं, क्या कहते हैं, दून कहते हैं। आपको लिख भी दिया हो दून और द्वार, मतलब लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाने वाले घाटी को दून या द्वार कहते हैं। दून का एग्जाम्पल क्या होगा, देहरादून, कोतली दून, पातली दून, ये पश्चिम वाले भाग में को दून कहते हैं और पूर्व वाले भाग को द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। हरिद्वार किसका भाग है, कहाँ पाया जाएगा, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में पाया जाएगा, बीच में स्थित है, पाया नहीं जाएगा मतलब बीच में स्थित है। जैसे आपको बताए थे जास्कर श्रेणी और इसके लघु हिमालय के बीच में घाटी पाई जाती है, जैसे कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। आपको बताया था ना कश्मीर घाटी कहाँ, जास्कर श्रेणी और लघु हिमालय के बीच में, कोई दिक्कत। आप बताइए कश्मीर घाटी को ही पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं कि नहीं, कहते हैं, आपको पढ़ाए थे थोड़े पहले ही पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, तो कश्मीर घाटी तो पाया जाएगा जास्कर और लघु हिमालय के बीच में, लेकिन लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में क्या पाया जाएगा, कौन सा घाटी पाया जाएगा, कोतली दून, हरी कोतली दून, देहरादून, पतली दून, हरिद्वार, ये घाटी को ही द्वार और दून कहा जाता है, द्वार और दून कहा जाता है। आप अच्छे से लिखिए, मेरे विचार से आपका लेक्चर शिवालिक का अच्छे से खत्म हो गया। आपको अलग देखिए, आपको बृहत हिमालय पढ़ा दिए, शिवालिक लघु हिमालय पढ़ा दिए,
शिवालिक के बारे में पढ़ा दिए, पढ़ाया कि नहीं? आप अच्छे से लेक्चर धीरे धीरे देखते जाइएगा,